त्यागी, ये जेल होती बड़ी कम वक्त चीज है यार। दो चार घंटे अंदर रह जाओ तो जिंदगी के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। बस यूं समझ लो कि पांचों सेंसेस पे टॉर्चर है टॉर्चर। हाँ, बेकसूर लोगों के लिए तो सचमुच में बड़ा बुरा जगह है भाई। लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी बात कहना बस यूं समझ लो छोटी मुंह बड़ी बात है, क्यों है ना? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं विकास साहब? वो क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं, अरे जाने दीजिए ना भैया, काहे को आप दिल्ली वालों के ऊपर हमारा इम्प्रेशन खराब करते हैं? काहे कि विकास बाबू अभी तक हमका बड़ा इज्जतदार आदमी समझ के बतियाते रहे, अब इनको हमारा वही इम्प्रेशन लेके विदा हो जाने दीजिए। क्यों त्यागी, तुम तो हो इज्जतदार, इनफैक्ट तुम्हारे लिए मेरी इज्जत आज और बढ़ गई। अब देखो ना, मेरी जिंदगी में ये सो कॉल्ड कितने सारे रिश्ते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कोई काम नहीं आता। मेरे ख्याल से सब आपको लेकर परेशान थे। आज आपका जो ख्याल है मिस्टर विकास खन्ना, कई साल पहले मेरा भी यही ख्याल हुआ करता था। मेधा जी, अगर मेधा जी की जो मुझ पर मेहरबानियां हैं, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। एनीवे, चलो जेल से छुटकारा तो मिला। विकास, तुम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो। ओके मिस ऋषभ, मैं चलता हूँ। थैंक्स लॉट, बाय मेधा। थैंक्स। अच्छा भैया, अब हम भी चलता हूँ। क्या कि ऐसी भी क्या जल्दी है यार, कुछ दिन और रुक जाते, तुम चले जाओगे तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा मैं। ऐसा कैसा बातें करते हैं भैया, भौजी तो आपके साथ है। हाँ, तुम्हारी भौजाई आए तो मेरे साथ है, लेकिन आजकल मजदूरों के साथ ज्यादा रहना पसंद करती है। भैया, हमरा जाना का जरूरी नहीं होता ना, तो हम रुक जाता। हमका तो आप आदेश करिए भाई। प्रणाम। पहला अब यहां अकेले बैठकर क्या करूं? सोचता हूं अब एकनाथ से जाकर मिलाऊं। ऋषभ, तुम